आई थिंक बासु चटर्जी जी बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर हैं, और उन्होंने जितनी भी पिक्चरें बनाई, छोटी सी बात हो, यू नो पिया का घर हो, उपहार, आई थिंक शौकीन, हाँ शौकीन भी उन्होंने बनाई थी, तो बड़ी एक इतनी जल्दी पिक्चर एक तो बनाते थे, और एक ही शेड्यूल में उनकी पिक्चरें जितनी भी हैं बनती थी, और आई थिंक 30-35-40 दिन में बनती थी उनकी पिक्चरें। तो आज इनफैक्ट वो ट्रेंड वापस आया है। आज देखेंगे आप अगर जैसे स्पेशल 26 नीरज पांडे की पिक्चर 42 डेज में बनी थी, तो आई थिंक वो ट्रेंड वापस आया है आजकल, और हर आदमी वेदर वो बड़ी पिक्चर हो या छोटी पिक्चर हो, ज़्यादातर कोशिश करता है कि एक ही शेड्यूल में बना लो। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांची फिल्म जो मैंने बनाई है, वो कांची फिल्म एक औरत की शक्ति है, एक यंग लड़की की शक्ति है जो अपने में डिस्कवर करती है। बहुत भोली भाली है, परिवार है, लवर है, लाइफ है, म्यूजिक है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन एक ऐसी घटा छाती है, एक ऐसा तूफान आता है जो हिल जाती है, तो उसको समझ आता है कि दुनिया क्या है, और वहाँ से वो आस्ता 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 प्रबल होती जाती है, और उसको वुमेन की शक्ति समझ आती है, और वो एक मिशन पर चली जाती है, और बड़े बड़े लोगों से मुकाबला करती है, और ऐसा मुकाबला करती है कि पूरी सरकार और जो लोग हैं कानून हिल जाता है। बासु चटर्जी और उनके गैंग के बहुत सारे दूसरे डायरेक्टर्स बासु चटर्जी और उनके गैंग के बहुत सारे दूसरे डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, ये लोग बहुत प्रोग्रेसिव लोग थे जो ऐसे समय पे इंडस्ट्री में आए जबकि फिल्में ज़्यादा बिलीवेबल नहीं बनती थी, बट इन्होंने जैसे बासु चटर्जी ने ऋषिदा के लाइन में जिस तरह से काम किया है, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आई से इंसाइटफुल फिल्में बनाई हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी फिल्मों में। टेक्निकल डायरेक्टर एंड विद सच अ गुड सेंस ऑफ द स्टोरी, कि उनकी पिक्चरें स्टोरी पे चलती थी मेनली, उन जितनी भी आप उनकी पिक्चरें देखोगे, कमाल की पिक्चरें जो उन्होंने बनाई, सब हमेशा स्टोरी पे चली, तो आई थिंक एट सॉफ्टवेयर।